हेलो जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूं। तो आज मैं आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो कि नई कंपनी निकल कर आई है। नोएडा का लोकेशन होने वाला है, नोएडा फेज टू का। अगर हम बात करें तो इस कंपनी में काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसरार भाई आप C&S का कंपनी का वीडियो बनाइए। तो फाइनली C&S कंपनी की वीडियो आ चुकी है जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब देने का काम कर रहे हैं। ISMS आप सभी को पता होगा एक ऐसा फर्म है जिनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं मल्टीपल लोकेशन के लिए, मल्टीपल पोजीशन के लिए। तो आज हम आपको एक नई वैकेंसी के लिए बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्किप मत करना। हमारी बस एक ही पहल होती है, लोगों को रोज़गार दिलाना, और फ्री में रोज़गार मिलता भी है। आप सभी को पता है कि हम जॉब के साथ साथ विश्वास भी देते हैं। बिना करे बकवास वीडियो करते फटाफट से स्टार्ट। हमारे साथ अरमान मलिक जी हैं जो कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जॉब भी दिया अलग अलग कंपनियों के लिए, डिक्सन, C&S और बहुत सारी कंपनी इनके पास अवेलेबल है। अभी इनसे हम बातचीत करेंगे, आप सभी लोग वीडियो बने रहना जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल पाए। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, है ना। आपके फर्म का क्या नाम है सर वैसे? ISMS। ISMS है ना जी। कहाँ पर है इनका ऑफिस? कहाँ पर? ये ऑफिस है खोड़ा, सेक्टर 62। सेक्टर 62 खोड़ा में जी। अच्छा, तो अभी हम किस कंपनी के लिए बात करने वाले हैं सर? प्रेजेंट में अभी हमारे पास कंपनियां काफ़ी हैं, बट किसी में हायरिंग का नॉर्मल चल रही है, Dixon 90 है उनमें चल रही नॉर्मल, और बाकी एक C&S कंपनी है हमारी, ठीक है, उस कंपनी में भी हायरिंग चल रही है। उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए, वायरमैन, ठीक है, उसमें वायरमैन चाहिए C&S जी, जो कि C59 फेज टू का होने वाला है, क्या है ना? जी जी जी। C59 फेज टू का होने वाला जी जी जी। क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है वैसे मलिक जी? वो मैन्युफैक्चरिंग करती है जो हमारे पैनल होते हैं ना, पैनल को, पैनल में हमारे जो स्टार्टर होते हैं, पैनल होते हैं, हम उनको वायरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें कनेक्शन वगैरह होते हैं और भी मतलब अंदर का वर्क रहता है। किस किस क्वालिफिकेशन के लिए ले रहे हो आप? हमारे पास अगर वायरमैन है, ठीक है, तो वायरमैन को हमें ये ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन क्या है उस पर, मिनिमम हाई स्कूल तो जैसे ऊपर रहनी चाहिए, हाई स्कूल हो, इंटर हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जिसको वायरिंग आनी चाहिए। यस। सैलरी वही तो पूछना, सैलरी स्टार्टिंग क्या हो जाती है? हमारे यहाँ सैलरी है वायरमैन की, अगर वायरमैन है वायरिंग आती है उसको, तो हमारे यहाँ 13,000 सैलरी है। 13,000 से स्टार्ट जी। अच्छा, और अगर एक्सपीरियंस उसके पास ऑलरेडी है साल, 2 साल 3 साल का, तो उसकी क्या सैलरी होगी? अगर इसको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा जिसको नॉलेज है, ठीक है, तो जो बंदा अगर अच्छा है एक्सपीरियंस, अच्छी नॉलेज है, बंदा अच्छा का वर्क करता है, तो उसकी हम सैलरी बढ़ा के देते हैं उसको। अच्छा, हाँ, 17 भी मिल जाती है, 18 भी मिल जाती है, 16 भी मिलती है, बट 15, 16, 17, 18 तक हम 20 तक दे देते हैं उस बंदे को, देते हैं जिसको अच्छी नॉलेज है, ठीक है। हमारे यहाँ 13,000 सैलरी नॉर्मल, ठीक है, जो हम बंदे को रखते हैं, जैसे कि ड्यूटी वाला बंदा है, ठीक है, हम उसको लेते हैं वायरमैन को, जिसको कनेक्शन वगैरह आते हैं, हम उसको 13,000 सैलरी देते हैं। जो बंदा एक्सपर्ट है, जिसको एक्सपीरियंस है ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमको सैलरी बढ़ा के देनी पड़ती है, क्योंकि एक्सपर्ट बंदा तो नहीं करेगा फिर, तो उसको हम 14,000 15,000 16,000 उसके अकॉर्डिंग देते हैं, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, डिपेंड ऑन द इंटरव्यू जी। इस तरीके से आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने सही जवाब दिया तो फिर आपको सैलरी उस हिसाब से दी जाती है। वैसे ओवर टाइम का क्या सीन है, ओवर टाइम चलती है? ओवर टाइम हमारे यहाँ डबल है, ठीक है, ओवर टाइम डबल रहता है, बट उसमें नॉर्मल ओवर टाइम चलता है, ठीक है, चलता है तो डबल मिलेगा आपको, नहीं तो फिर नहीं। हाँ, कंपनी के एज ए रिक्वायरमेंट पे, अगर चलता है तो डबल मिलेगा, नहीं चलता है तो नहीं मिलेगा। और हमेशा OT चलना करना भी ठीक नहीं होता, महीने में आप 2-10 दिन कर लो OT, बहुत है ना? हाँ, अगर आप 10 दिन भी चल जाएगा तो भी आपकी OT कम से कम, नहीं तो डबल है तो 100 रुपये घंटे मिनिमम पड़ेगा आपका, तो ये बैसी हो जाएंगे 1,000-2,000 का तो OT, है ना। तो काफ़ी अच्छी है आपकी बेनिफिट्स वाली जॉब होने वाली। दूसरी बात, कैंटीन क्या फैसिलिटी है सर? अभी हमारे यहाँ कैंटीन अवेलेबल है, चार्जेबल है, बस हमारे पास है नहीं है, वो उसके कैंटीन के ऊपर है क्या करती है क्या नहीं। अच्छा, मतलब 15 से 20 के बीच में? हाँ, वही इतना ही नॉर्मल, यही नॉर्मल होता है, जो मील का होता है नॉर्मली वही कटेगा। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं, पहले मैं बता देता हूँ वायरमैन की रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर भी चलेंगे, लेकिन अगर वायर आता फ्रेशर नहीं चलेंगे, है ना? फ्रेशर नहीं चलेंगे, जिसको वायरिंग आती हो वही चाहिए। प्रेजेंट में हमें सिर्फ वायरमैन ही चाहिए जिसको वायरिंग आती है, फ्रेशर हमें चाहिए नहीं, क्योंकि फ्रेशर के लिए हमारे पास और भी कंपनियां हैं, फिर उसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए इसमें फ्रेशर। और अगर आप भी C&S में काम करना चाहते हैं और वायरमैन के एक्सपीरियंस है, वायर का काम आपने किया हुआ है,
तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। काम अच्छा है, ज़्यादा प्रेशराइज वर्क नहीं है, टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिल जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ओरिजिनल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो हमारे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, हम फर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं। आगे कोई आपको प्रॉब्लम हो पीएफ में या हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएं अपने, बट चाहिए हमें फोटोकॉपी उसकी। ओरिजिनल हमें देखने के लिए चाहिए, ठीक है, आप बस दिखा दो उतना चाहिए हमें, बाकी हमें फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, तो सर से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। बारिश हो रही, लेकिन बारिश में हमारी इनकी मुलाकात हो गई और वैकेंसी चल भी रही थी, तो हमने कहा एक्चुअली क्या, देखो सीएनएस के सामने हम वीडियो नहीं शूट करते क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं होता। एक्चुअली क्या है, पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी, है ना मलिक जी, पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब उसमें क्या एक्स्ट्रा इशू हो जाता भाई, कोई कंपनियाँ बनाने, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब कंपनी जाते हो सीधा आप कंपनी नहीं, आपको सीधा कंपनी नहीं जाना है, ठीक है। हमारी कंपनी सेक्टर 80 में है, बट आपको कंपनी में नहीं जाना है, ठीक है। आपको जब कॉल करना है हमारे पास कॉल आओगे आप, ठीक है, आपको कंपनी में जाना, और ये नहीं बोलना आपको कि हम यूट्यूब पर वीडियो देख के आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। ये वीडियो रिक्स लेकर बनवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अलाउड नहीं है वहाँ पर। जिससे आप बोलोगे तो आपको कोई वैकेंसी नहीं, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं होगी। आप आओ, जो नंबर दे रहा हूँ उस सुपरवाइज़र से आप बात कर लो, सीएनएस के लिए मुझे बात करना सर इतना, बट आपको ये नहीं बोल रहा कि सर वहाँ हम यूट्यूब वीडियो देख के आए हैं और आप हम वापसी जा रहे हैं, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, वहाँ नहीं है क्योंकि भाई वहाँ एचआर को पता चल जाएगा ना इन्होंने वीडियो बनाई, और अगर उन्होंने वीडियो बनवाई तो फिर वो कहेंगे कि भाई इनको बुलाएंगे, फिर पूछेंगे भाई आपने वीडियो क्यों बनाया, जब पिछली बार हमने वीडियो डिलीट करवा दी थी। अभी थोड़े दिन पहले हमने श्रीराम पिस्टन की वीडियो बनाई थी, वो भी मुझे डिलीट करना पड़ा। क्यों डिलीट करना पड़ा पता है आपको, यही प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए ना भाई साहब दिल टूट जाता, मेहनत करके 40 किलोमीटर जाओ, टोटल 80 किलोमीटर अप डाउन गाजियाबाद, उसके बाद में फ़ोन आता है सर वीडियो डिलीट कर दो वरना हमारा कॉन्टैक्ट चला जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये सब हमें फेस करना पड़ता है भाई साहब। ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करने में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है लोगों की, मतलब बोलते हैं सर क्या होगा वीडियो बनाने से, अपना प्रपोजल दो, एक्सेप्ट नहीं करते, वीडियो बनवाते नहीं वैकेंसी होने के बावजूद। इसके लिए और पहले भी वीडियो काटी थी ना, इसी रीज़न से हमारी पहले वीडियो बनवाई थी हमने, वो भी वीडियो काट दी थी। रीज़न यही था कि उनको वहाँ अलाउड नहीं था, हमें उन्होंने मना कर दिया था कि अगर आपको वीडियो कॉन्टैक्ट भी, हम देखो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो हम कोई भी रिक्स इस चीज़ में लेना नहीं चाहते। अच्छा, इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता क्या? सैटरडे संडे ऑफ रहता है बस, आपका सैटरडे संडे नहीं रहता, वो स्टाफ रहता है। नहीं, सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है कंपनी? नहीं, सैटरडे स्टाफ का ऑफ रहता है, संडे भी ऑफ रहता है स्टाफ का, बट आपका संडे ऑफ रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि अगर आप स्टाफ में रहेंगे तो, अदरवाइज आप ऐसे ही रहेंगे बाहर महीने में तो ओनली फॉर संडे के लिए आपको छुट्टी दिया जाएगा। दूसरी बात, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि भाई जॉब करो आप किसी ना किसी कंपनी में, अगर आप वायरमैन का किसी कंपनी में काम किए होते तो आपको एक्सपीरियंस होता, तो आपको दिक्कत नहीं होती। अभी कुछ नहीं तो कल 100% में से 30% ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे जिनको वायर का काम आता हो, और वही संपर्क करना। अच्छा, कॉल तो पिक होगी ना मलिक? हाँ, कॉल तो हमने सारी पिक हुई है, बट देखो मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़, आपको कॉल करनी है आप मॉर्निंग कॉल करना, 7:30 से 11 बजे तक आप मेरे पास जितनी कॉल करोगे आपकी सारी अटेंड होंगी, बट आप 10-12 बजे के बाद आप कॉल करोगे तो मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करूँगा। आपकी अगर कॉल अटेंड नहीं होती है या मेरा फ़ोन ऑफ जाता है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे, ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको मैं पिछली वीडियो में जितनी भी कॉल आती सबको रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई सबको मिलेगा, ठीक है, बट कॉल आप अगर 12 बजे के बाद आते हो तो उसका आंसर नहीं मिल पाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनके पास कॉल आ रही है लगातार, ये पिक कर रहे हैं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारे उन सब्सक्राइबर के कॉल्स हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी हमने वीडियो बनाई थी उन्हीं के कॉल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करता, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चले मिलते नए वीडियो नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।